नमस्कार, बिजनौर तक में आपका स्वागत है। सोमवार को जनपद में पहला कोरोना पॉजिटिव मिला था, लेकिन शाम होते होते इनकी संख्या बढ़कर 3 हो गई थी। आज सुबह 5 और लोगों में कोरोना की पुष्टि हुई है। बिजनौर में अब इनकी संख्या बढ़कर 8 हो चुकी। बिजनौर में बढ़ती कोरोना संख्या पर क्या कहते हैं प्रभारी मंत्री कपिल देव, आइए सुनते हैं। कोरोना के बिजनौर में क्या स्थिति है और अब तक कितने पेशेंट यहां हो चुके हैं? देखिए, बिजनौर में प्रभारी मंत्री के रूप में यहां पहुंचा हूं मैं, और मुझको लखनऊ जाना है। माने मुख्यमंत्री जी ने कहा है कि हम सबको अपने अपने ऑफिसों में अपने विभाग काम करना। बिजनौर से शाहजहानपुर वहाँ का मैं प्रभारी हूँ और लखनऊ पहुँची हूँ, इसीलिए मैं तो यहाँ पर पहुँचा हूँ। बिजनौर में हमारी पूरी टीम, हमारा प्रशासन, जिलाधिकारी, SP, डॉक्टर्स की पूरी टीम, पत्रकार साथियों की पूरी टीम, पुलिसकर्मी, बैंककर्मी, सब लोग अपनी अपनी जिम्मेदारी का बहुत बढ़िया निर्वहन कर रहे हैं। सर्वप्रथम मैं उन सबको बधाई देता हूँ, चूँकि लॉकडाउन में माने प्रधानमंत्री जी ने उसको 3 मई तक और बढ़ाया है, तो हम सबकी जिम्मेदारी और ज़्यादा बढ़ जाती है। और लॉकडाउन का इतना बड़ा कंट्रोल देश के अंदर हुआ है, इतना अन्य किसी देश के अंदर नहीं हुआ। उसकी वजह यही है कि देश के सब बंधुओं ने, नागरिकों ने माने प्रधानमंत्री की अपील का, जो पहली बार अपील थी, उसका 100% पालन किया, जिसके कारण से ये महामारी बहुत हद तक नियंत्रण हो पाई। प्रधानमंत्री ने इसको 3 मई तक बढ़ाया है। हम सबको सोशल डिस्टेंस के साथ उसका 100% पालन करना है। प्रधानमंत्री ने कहा कि बुजुर्गों का सम्मान करना है, उनको बचा के रखना है। जो हमारा ये आरोग्य सेतु है, उसको डाउनलोड करना है सभी को। और आरोग्य सेतु के साथ साथ जो ऐसे बंधु हैं जिनको किसी प्रकार की आर्थिक भोजन की आवश्यकता है, कोई व्यक्ति भोजन से वंचित ना रहे, ऐसे समाज के अग्रणी लोग आगे आकर के उनकी चिंता करेंगे और इसका सब लोग पालन करते हुए 3 मई तक इसको पालन करेंगे। अपने बिजनौर के अंदर 8 लोग अभी तक कोरोना पॉजिटिव पाए गए हैं। आगे के लिए जिलाधिकारी को, CMOs को और सभी पुलिसकर्मियों को, अधिकारियों को ये निर्देशित किया गया है कि जो आगे की प्रक्रिया है इसको और सख्ती के साथ, लेकिन जनता से कम्युनिकेशन भी रहना चाहिए। जिन लोगों को परेशानी होती है उनकी परेशानी को दूर करना भी हम सब की जिम्मेदारी है, तो प्रशासनिक मर्यादा भी रहे और लॉकडाउन का पालन भी हो, ऐसा निर्देश अधिकारियों को।